बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं Firstbytetv। आई नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। तपोवन टनल में भरा पानी, रेस्क्यू ऑपरेशन रुका, राहत कर्मियों को बाहर निकाला गया। तपोवन टनल में अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया है। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल से पानी निकलने लगा। इसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू टीम और मशीनों को बाहर निकाल लिया गया है। बैरिकेड्स लगाकर सभी कर्मचारियों को टनल से दूर किया जा रहा है। कासगंज का मुख्य आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मंगलवार देर रात को हुए पुलिस हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने बुधवार को एनकाउंटर में मार गिराया है, जबकि मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी भी फरार है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। वहीं मरने वाले की शिनाख्त मोती धीमर के भाई एलकार के रूप में हुई है। कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर विपक्ष का निशाना, राकेश सिन्हा ने रखा सरकार का पक्ष। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि सरकार अपनी हर धर्मता थोड़े और बातचीत के लिए किसानों को न्योता दे। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का कहना है कि पहले किसान खुले मन से सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करे, फिर बातचीत तो हो ही जाएगी। कांग्रेसी सांसद प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि सरकार बातचीत की बात जरूर कर रही है, लेकिन किसानों को नहीं भुला रही है। जब तक किसानों को बातचीत के लिए बुलाया नहीं जाएगा तो किसान कहां जाएंगे बातचीत करने। चीन से हुआ समझौता, पैंगोंग लेक से पीछे हटेगी सेनाएं, राजनाथ का संसद में ऐलान। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ऐलान किया है कि पैंगोंग लेक के पास विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है। दोनों ही देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर सहमत हुए हैं। साथ ही अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को अब लागू कर दिया जाएगा। साइबर क्राइम के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें, पुलिस महानिरीक्षक मेरठ रेंज के नाम से बना फर्जी फेसबुक अकाउंट, इस बदलते दौर में अब अपराधी सोशल मीडिया का सहारा लेकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल मेरठ पुलिस की माने तो अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस महानिरीक्षक मेरठ रेंज के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया, जिसके बाद उसने मैसेंजर के माध्यम से व्यक्तियों से पैसे मांगने के लिए पेटीएम नंबर भी जारी किया है। मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। आर्थिक अपराध शाखा ने एक कंपनी की शिकायत पर सपना चौधरी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता कंपनी ने सपना चौधरी पर अग्रीमेंट तोड़ने और एक कर्मचारी की कथित मिलीभगत से कंपनी के क्लाइंट्स को चुराने का आरोप लगाया है। योगी सरकार के हेलीकॉप्टर से प्रियंका गांधी पर हुई संगम में फूलों की बारिश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज एक दिन की प्रयागराज यात्रा पर हैं। अपने इस यात्रा के दौरान दोपहर को वह अरेठ घाट से नाव के जरिए संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए रवाना हुई। उनके साथ उनकी बेटी मिराया व कुछ अन्य लोग भी थे। प्रियंका गांधी जब बोट पर सवार होकर संगम जा रही थी तो उस वक्त योगी सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए माघ मेले में मौजूद श्रद्धालु पर फूलों की बारिश कर रही थी। प्रियंका गांधी व उनके साथ आए लोगों पर भी फूलों की बारिश हुई। भारतीय मूल के सांसदों ने किया ट्रंप पर महाभियोग का समर्थन, सीनेट ने शुरू की कार्रवाई। भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के लिए अपने समर्थकों को उकसाने के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का समर्थन किया है। अमेरिकी सीनेट ने बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई शुरू कर दी है। डेमोक्रेट के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप के खिलाफ राजद्रोह भड़काने का आरोप लगाया है। तेलंगाना के मनासा वाराणसी बनी मिस इंडिया वर्ल्ड 2020, फिनाले में पहुंचे कई बॉलीवुड सितारे। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 23 साल की मनासा वाराणसी ने इस साल मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं हरियाणा की मनिका शिओकन रनरअप रही। आज की खबरों में बस आज इतना ही। देखते रहिए Firstbytetv और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।